आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आज कुछ हम विलंब से आ रहे हैं। कई बार कुछ ऐसी चीजें घट जाती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं, तो इस असुविधा के लिए आपको ही, इस असुविधा के लिए हमें खेद है। आज की यह कड़ी बेहद खास, आप सभी जानते हैं कि रविंद्र जयंती के इस माह में हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से लेखक, चित्रकार, संगीतविद और जाने किन किन विधाओं में दक्ष रविंद्रनाथ ठाकुर जी पर एकाग्र कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में लेखक और अनुवादक जयश्री पुरवार जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी जानते हैं कि वे यात्रा संस्मरण लिखती हैं, कुछ अन्य विधाओं में उनके काम है और साथ ही पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ वे बांग्ला से हिंदी में अनुवाद कर रही हैं और कुछ एक बार हिंदी से बांग्ला में भी। आज हम लोग उनसे रविंद्रनाथ ठाकुर की ऋतु केंद्रित कविताओं का पाठ सुनेंगे। ये वे कविताएं हैं जिनका अनुवाद जयश्री पुरवार जी ने बांग्ला से हिंदी में किया है। और किस तरह से ठाकुर साहित्य में प्रकृति की विपुलता है और प्रकृति को लेकर, मानव समाज को लेकर, प्रकृति और मनुष्य प्राणी जगत के बीच की जो अंतःक्रिया है उसको लेकर टैगोर ठाकुर कितने सजग रहे हैं हम इसे जानते हैं। अलग अलग ऋतुओं पर उन्होंने काफी कुछ रचा है, पद्य में भी गद्य में भी। कोई भी लेखक इन तमाम विवरणों में जाता है और खास तौर से जो प्राणी जगत और उसका जो अपना परिवेश है उसको लेकर जब कोई लेखक अपनी बात को रखता है, अपने मंतव्य को लोगों के बीच साझा करता है, उससे एक बड़ा और विराट जो परिदृश्य है वह हमारे सामने आता है। न सिर्फ मनुष्य की भावनाएं बल्कि जो एक दैनंदिनी में हमारी प्रकृति हमारे भीतर रची बसी है, हमारी सांसों में, हवा के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, जल के रूप में, पर्वत के रूप में, घाटियों के रूप में, हरियाली के रूप में, इन सब के साथ जो हमारी अपनी सहज जीवनचर्या है, इन सब पर रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा एक सिद्धहस्त लेखक, एक जन्मजात कलाकार किस तरह दृष्टि रखता है, इन सब पर बात होगी। और जयश्री पुरवार जी ने ऋतु केंद्रित उनकी कविताओं का जो अनुवाद किया है, हमारी ओर से उनसे यही गुजारिश है कि वे बांग्ला में और बाद में अनूदित भाषा यानी हिंदी में उन कविताओं का पाठ करें। आज हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर जी की ऋतु केंद्रित जो कविताएं हैं वे बांग्ला और हिंदी दोनों में सुनेंगे। तो आइए हम सीधे जयश्री पुरवार जी के पास चलते हैं। जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत नमस्कार। जयश्री जी। क्योंकि विलंब पहले ही हो चुका है तो सीधे हम लोग जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी की उन बेहद महत्वपूर्ण और प्रकृति संपन्न कविताओं को सुनते हैं, बांग्ला में, हिंदी में, अनुवाद स्वयं जयश्री पुरवार जी की ओर से। स्वागत। सभी बंधुओं को नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय और अर्पण जी के आग्रह पर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। रविंद्र जयंती परसों हम लोगों ने मनाई है और इस जयंती को मनाने के बाद बराबर निरंतर हम चाहते हैं कि उन पर चर्चा करते रहे। वैसे तो बंगाल में यह परंपरा है कि एक महीने तक उनकी जयंती के उत्सव होते रहते हैं।
जी मित्रों, कुछ इंटरनेट की समस्या शायद आ रही है। जी जय श्री जी। जी ठीक है। हाँ हाँ बोले, मैं कोशिश करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा कि अगर कोई आपके मोबाइल पर कॉल आए तो आप उसको तुरंत काट दें ताकि अपना यह नहीं, कार्यक्रम कॉल आगे तो बढ़ नहीं सके। आएगा, पर इस मोबाइल में मतलब कुछ किया नहीं जाता है ना, तो ये कुछ ना कुछ आ जी रहा है ऊपर से, क्रोम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आप, जी आप उन पर ध्यान न दें, आपकी आवाज हमें आ रही है, शुरू नहीं, करें। जी ऊपर लिख क्या मैं दिख रही हूँ क्या? अभी अभी सब कुछ ठीक है, आप शुरू करें, आप शुरू करें, सब ठीक तो है। मुझे रो, मैं एक बार पुनः उनको जोड़ने की कोशिश करता हूं, जयश्री जी को कुछ उन्हें दिक्कत आ गई शायद, मुझे 1 मिनट का समय दें। आ गई हैं वे। जी जयश्री जी आइए, आप आइए, सब ठीक है, आप फोन मत मैं काटिए, आ तो गई हूँ, पर आ जाइए। ये जो मोबाइल है ना, ये अपने आप ऑफ हो जाता है और फिर से ऑन करना पड़ता है। ठीक जय श्री जी, अभी ठीक है, आप शुरू कीजिए कार्यक्रम। है ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। रविंद्रनाथ स्वागत। के बारे में सोचते हुए बोलते हुए जो एक बात सबसे पहले हमारे मन में आता है, वो बात ये है कि रविंद्रनाथ एक महासागर के समान है। विध विधाओं की अनेक नदियां प्रवाहित होते हुए उनके भीतर आकर समाविष्ट हो गई है, और ये विधाएं साहित्य की विविध विधाएं हैं। तो इन विविध विधाओं का महासम्मेलन है विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर में, और इस महासम्मेलन में उनका जो कवि रूप है वो प्रमुख है। जी देखिए ऐसे जी बंद हो जाता है बार बार, नहीं, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मुझे तो आप नहीं दिख रहे थे, मैं भी नहीं दिख रही थी। नहीं, अभी आप हैं, आप हैं, आप चिंता ना करें, मैं बना हुआ हूँ, मैं बना हुआ हूँ और मैं बैकग्राउंड में हूँ, आप चिंता ना करें, कोई दिक्कत होगी मैं खुद फोन करूंगा आपको। नहीं, हमारा ब्लैंक हो जाता है, ब्लैंक हो गया था पूरा। चलिए, नहीं होगा, आगे कीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कुल 52 कविताओं का संग्रह की रचना की है, और जिनमें गीत वितान, संचयिता, चयनिका, सुनारतुरी, चैताली, नाम गिनते जाइए, अनगिन नाम है। पर चाहे जितनी ही कविताएं उन्होंने क्यों ना लिखी हो, ऋतु सौंदर्य के कवि हैं वो। उनका ऋतु साहित्य में जो विविधता दिखती है वो केवल आकाश, बताश, फूल पत्ती, मिट्टी रेत या बादल बारिश में ही प्रकट नहीं होती, बल्कि वो मानव जीवन के विविध पड़ावों में भी दिखाई देती है। मनुष्य के बचपन से लेकर किशोरावस्था, फिर उसके बाद युवावस्था एवं वृद्धावस्था, सभी में हर स्थिति में कवि प्रकृति से ही जुड़े दिखते हैं। रीतियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने किसी भी ऋतु को नहीं छोड़ा है, और इसलिए उन्होंने ऋतुओं के कोमल रूप को भी देखा और उसके कठोर रूप को भी देखा। उन्होंने कोमलता भी देखी, मृदुलता भी देखी। एक ओर प्रचंड ग्रीष्म में जैसे प्रचंड गर्मी में आकाश प्यास से कांपता है, वायु कराहती है, उसके साथ पुष्पों का स्पर्श, पुष्पों की महक भी आती है। बंगाल में उस समय के कवियों की कविता में अलग अलग रीतियों की विविधताओं का वर्णन हम पाते हैं, परंतु उस समय के बाद रविंद्रनाथ जब आधुनिक युग में सामने आए, तब ये पाया गया कि रविंद्रनाथ के प्रकृति वर्णन में
जो सजीवता है, जो जीवंतता है, वो उनके पहले के कवियों में बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि रविंद्रनाथ अपनी हर कविता में, हर रचना में जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का स्पर्श लाते हैं, उसके स्वरूप उनकी प्रकृति गाथा और अधिक सजीव हो उठती है। रविंद्रनाथ के गीतों में हर मौसम हर रूप में दिखाई पड़ती है। उनके छवि ध्वनि रंग और महक के साथ उनकी भावनाएं प्रकट होती है। ये बंगाल की प्रकृति के भी शाश्वत संदेश देते हैं। उन्होंने दूसरे गीतों की तरह प्रकृति के गीतों में भी संसार का बोध बिखेरा है। कुसुमे कुसुमे उन्होंने अपने अंतर मन के पद चिन्ह देते हैं। उनके आगमन पर धरती के सोने में चिंता और उत्तेजना उन्होंने महसूस की है। तो उनका जो ये एहसास है, उनकी जो ये अनुभूतियां है, इसी के कारण रविंद्रनाथ ने अपने आप को एक सजीव रूप में अपनी कविताओं में प्रकृति को प्रस्तुत किया है। प्रकृति के विविध रूप और विविध रीतियों के बारे में उनकी लिखी हुई कविताओं को सुर और गीतों में मैंने छंदबद्ध करने की भी कोशिश की है, जिनके हिंदी अनुवाद में हर संभव उनकी मौलिकता और मधुरता को बनाए रखने की भी कोशिश की गई है, और जिन्हें मूल गीत के सुर लय में गाया भी जा सकता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ वर्षा ऋतु से। वर्षा ऋतु तो कवियों का ऋतु है ही। समग्र रविंद्र साहित्य में वर्षा नित नए रूपों में है। उन्होंने 100 से भी ज्यादा वर्षा ऋतु पर कविताएं लिखी हैं, और गीतवितान नामक उनके कविता संग्रह में तो 115 कविताएं केवल वर्षा ऋतु पर ही है। उनके वर्षा गीतों में वर्षा को उन्होंने प्रकृति के साथ और मानव के साथ जोड़ा है। उनके गीतों में वर्षा मनमोहक है, उसका रूप स्निग्ध है, श्यामल है। वर्षा से स्थल जल सब जगह मुखरित है। ये मानव हृदय की एक अपरूप भाषा है। वर्षा को उन्होंने एक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया है। वर्षा कभी मिलन और अभिसार का पर्व है, तो कभी विरह और व्याकुलता का। कभी वर्षा धरती और आकाश के मिलन का छंद बन जाती है, तो कभी मन को पागल और मतवाला बना देती है। कभी का मन कभी बादल का साथी बनकर आकाश में दूर सुदूर उड़ता चला जाता है, और साथ में लिए रिमझिम रिमझिम का संगीत। तो कभी आकाश में उड़ रहे हंस की पंक्तियों के साथ उनका मन भागा चला जाता है, कभी नदी समंदर के प्रवाह में, तो कभी ताल तमाल के वन में। तो जैसा कि अर्पण जी का आदेश है और सुझाव है, मैं उनकी कविताओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, पहले बंगला में और उसके बाद हिंदी में। तो सबसे पहली कविता है वर्षा पर, बंगला में। मोनोमोर मेघ रो शोंगी उड़े चले दिखो दिगंतेरो पानी निश्चिमो शून्ने श्रावणो वर्षणो संगीते रिमझिम रिमझिम रिमझिम। मोनोमोर हंस बलाकार पाखाय जाय उड़े कोचित कोचित चकित कतोड़ित आलोके झनझन मंजिरो बाजाय झंझा रुद्र आनंदे कल 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 स्वरे निर्झरिणी डाक दाय प्रलय आहवानी मोनोमोर मेघ रोशंगी। वायु बहे पूर्व समुद्र होते उच्छल छल छल तटिनी तरंगे मोनोमोर धाय तारी मत्त प्रवाहे तालो तमालो अरण्ये क्षुब्ध साकार आंदोलने मोनोमोर मेघ रोशंगी। अब इसका हिंदी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। मन मेरा मेघ का साथी उड़ता चले
दिक दिगंत की ओर असीम शून्य में सावन की बरसन संगीत में रिम झिम रिम झिम रिम झिम। मन मेरा हंस पांत के पंखों में उड़ जाए क्वचित क्वचित चकित तड़ित आलोक में झन झन मंजिर बजाए झंझा रुद्र आनंद में कल 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 स्वर में निर्झरिणी बुलाए प्रलय आह्वान को मन मेरा मेघ का साथी। हवा चली पूर्व समुद्र से उच्छल छल छल तटी जी। बीच बीच में कहीं जयश्री परिवार जी का मोबाइल जो है स्टिल हो जाता है, शायद इसलिए दिक्कत आ रही है। थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें। जयश्री जी, मैं आगे पढ़ता हूं जब तक कि वे हमसे। जी हाँ जी, शुरू करें। वो बार बार मुझको करना पड़ रहा है इसलिए मेरे ख्याल में तो नहीं, कोई बात नहीं, बीच बीच में ध्यान रखिएगा उसका, अच्छा हो रहा है जी। कई बार हमें प्रतिकूलताओं में भी काम करना पड़ता है, तो ये अपने आप ब्लैंक हो जाता है, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। जी 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 मन मेरा दौड़े मत प्रवाह में ताल तमाल के वन में क्षुब्ध शाखा की हलचल में मन मेरा मेघ का साथी। उड़ता चले दिक दिगंत में असीम शून्य में श्रावण की बरसन में रिम झिम रिम झिम रिम झिम। तो एक और कवि को वर्षा ऋतु इतनी प्रिय है कि वो वर्षा ऋतु के साथ बादलों के साथ हंसों की पांत के साथ उड़ते चले जाते हैं। दूसरी ओर सांझ बेला में जब भी बारिश होती है कवि का मन उदास हो उठता है। उनका आकुल मन अनजान में ही किसी भूली हुई विरहिणी की प्रेसी की याद में हो जाता है और उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगता है उनका मन। अपनी इसी मनस्थिति का वर्णन उन्होंने एक और दूसरी कविता में की है। ये दूसरी कविता है, पहले बंगला में पढ़ रही हूं मैं। ऐ श्रावण बेला बादल छोड़ा जूथी बोने गंधे भरा कौन भोला दिनेर विरोहिणी जैनो तारे चीनी चीनी घनो बोनेर कोने कोने फेरे छायार घुमटा पड़ा ई श्रावण बेला बादल झरा कौन बीजन बाटेर पानी ताकिए आछो केता जानी हठात कखन अजाना से आसबे आमार दारेर पाशे बादल माझे बादल साझे आधार माझे गानेर गान गाबे प्राण पागल करा ऐ श्रावण बेला बादल झड़ा। हिंदी है इसका, सुनिए अब। इस श्रावण की बेला में बादल झरे जूही के वन की सुगंध भरे किन विस्मित दिनों की विरहिणी लगती है जैसे जानी पहचानी गहन वन के कोने कोने फिरती है छाया की घूंघट ओढ़े इस सावन की बेला में बादल झरे। क्यों सुनी राह को निहारू मैं कौन यह जाने अचानक कभी अनजानी वह आएगी द्वार पर मेरे बादल भरी सांझ के अधियारे में गीत गाए जो मन को पागल करे इस सावन की बेला में बादल झरे। तो वर्षा ऋतु की दो कविताएं मैंने सुनाई है। इसके बाद हम वर्षा के बाद शरत ऋतु में आती हूँ। शरत का आगमन हो चुका है। ऊपर नीले आसमान में तैरते शुभ्र मेघ की तरी नीचे काश के फूलों के लहराते गुच्छे और उनके साथ शिवली फूल नीचे जमीन में बिखरे हुए। शिवली फूल को हिंदी में हर श्रृंगार या पारिजात भी कहते हैं और बंगला में शिवली फूल के लिए एक और नाम प्रचलित है
शेफाली। तो शिवली फूल के बारे में खास बात यह है कि सूरज डूबने के बाद साज होते ही ये खिल जाते हैं और सूरज के पहली किरण की दस्तक के साथ ही साथ इसके फूल जमीन पर टुक टुक झड़ने लगते हैं और धरा पर ये बिछकर एक बिछौना सा बना देते हैं। तो शिवली के फूलों के जो वृक्ष है वो दिन भर विषण उदास रहता है और उसका उत्सव शाम से शुरू होती है और उसका उत्सव खत्म हो जाता है भोर के साथ ही साथ। तो इसकी नियति शोकमय है, परंतु शिवली फूल शरद का श्रृंगार भी है। शरद काल में कांस के गुच्छे और शिवली मिलकर हमें एक अद्भुत भाव में और सुगंध, स्वर्गीय सुगंध में विभोर कर देते हैं। तो एक गीत रविंद्रनाथ का, आमरा बेदेची काशेर गुच्छो आमरा गेथेची शेफाली माला नवीन धानेर मन जोरी दिए साजी एनेची डाला एशो गो शारद लक्ष्मी तोमार शुभ्र मेघेर रथे एतो एशो निर्मल नील पथे एशो धौत श्यामल आलो झलमल बनगिरि पर্वते एशो मुकुटे पड़िया श्वेत शत दल शीतल शिशिर ढालाओ আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা গেঁথেছি শেফালি মালা। ইস ছোটি সি কবিতা কা হিন্দি সুনিয়ে। হমনে বাঁধা হ্যায় কাঁচ কে গুচ্ছে হমনে গোঁথা হ্যায় শিউলি ফুলো কা মালা নয়ে ধান কি মঞ্জরি সে হমনে সজাই হ্যায় আপনি ডলা হে শরদ লক্ষ্মী তুম আও আপনে শ্বেত মেঘ কে রথ পর আও निर्मल नील नील पथ पर आओ धुले हुए श्यामल आलोक से झलमल वनगिरी पर्वत पर आओ शिशिर भीगे श्वेत शतदल कमल का मुकुट पहनकर। तो इस गीत में रविंद्रनाथ ने ये कोशिश की है कि शरद ऋतु में जो शिवली और कांस के फूलों की जीवंत छवि हमको दिखाई पड़ती है उसको दिखाने की। रवि ठाकुर की कविताओं में शरद के साथ साथ केवल शिवली फूल ही नहीं है, वरन शिवली फूल के साथ गुड़हल और डलिया जैसे लाल फूल भी है और इन लाल फूलों की अरुण आलोक की अंजलि भी इस शरद ऋतु के साथ जुड़ी हुई है। उनका एक बहुत सुंदर गीत है इस लाल फूलों की अंजलि के बारे में। शरद ऋतु में धरती पर बिखरे हुए शिवली के फूलों की सुगंध के साथ साथ जब प्रभात जाग उठता है तब मन आंदोलित होता है और साथ ही साथ हम विभिन्न पुष्पों की अरुण अंजलि भगवान के सामने निवेदित करते हैं। गीत है बंगला में, शरद तोमार अरुण आलोर अंजलि। শরদ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি শরদ তোমার শিশির ধোয়া কুন্তলে বনের পথে লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে আজ প্রভাতের হৃদয়ে উঠে চঞ্চলি শরদ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি মানিক গাথা ওই যে তোমার কঙ্কনে ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে কুঞ্জ ছায়া গুঞ্জ রণের সঙ্গীতে ওড়না ওড়ায় একই নাচের ভঙ্গিতে শিউলি বনের বুক যে উঠে আন্দোলি শরদ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি। ইস কবিতা মে চঞ্চলি আন্দোলি ইন শব্দো মে রবীন্দ্রনাথ নে সংজ্ঞা কা প্রয়োগ क्रिया के रूप में कर दिया है जो कि बहुत सुंदर बन पड़ा है। इसका हिंदी सुनिए अब। शरद तुम्हारे अरुण आलोक की अंजलि फैल गई रंग रच के मोहन अंगुली शरद तुम्हारे शिशिर भीगे कुंतल में वन पथ पर लुढ़के पड़े अंचल में आज प्रभात का हृदय उठा चंचली शरद तुम्हारे अरुण आलोक की अंजलि माणिक गुथे तुम्हारे उस कंगन में झिलिक लगी
तुम्हारे श्यामल अंगन में, पुंज छाया गुंजन के संगीत में, ओढ़नी उड़ाए ये किस नृत्य की भंगी में, शिवली बन का हृदय उठा आंदोली, शरद तुम्हारे अरुण आलोक की अंजलि। तो मैंने भी चंचली और आंदोली इन शब्दों का बिल्कुल उसी रूप में प्रयोग किया है। शरद ऋतु के इन सुंदर दृश्यों को देखने के बाद अब हम आते हैं शीत ऋतु पर। शीत ऋतु एक बहुत कष्टदायक यातनादायी ऋतु है और इस यातनादायी ऋतु में दिन बिल्कुल छोटे होते जाते हैं और ठंडी रातें लंबी होती जाती है। सवेरे हमको इंतजार रहता है धूप सेकने का, हम आतुर रहते हैं धूप सेकने के लिए और धूप की नहान भी इस ऋतु में बहुत प्रिय होती है। इसके अलावा धूप के अलावा तो इस ऋतु में जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल है। जाड़ों में अगर धूप नहीं है तो हमको लगता है कि हम अब कैसे जीवित रहेंगे। पर इस यातनादायी कष्टदायक मौसम को कवि गुरु ने दूसरी दृष्टि से देखा है। जाड़ों में ही पूस का महीना पड़ता है, आप लोगों को मालूम है, और इसी महीने में नई फसल आती है और नए फसल के आने के आनंद में मानव के साथ मिलकर धूप सोना बरसाती है और इसी महीने में पूस के महीने में ही पौष संक्रांति का पर्व पड़ता है। पूरे देश भर में ये पर्व मनाया जाता है। तो इस पर्व को मनाए जाने जाते हुए नई फसल आने का उत्सव और धूप का उत्सव भी हम एक साथ मनाते हैं। एक बहुत सुंदर कविता है जो खासतौर से पूष महीने को ही समर्पित है। पौष तो देर डाक दिए छे आए रे चोले आए आए आए, डाला जे तार घोरे छे आज पाका फसले मोरी हाय हाय हाय, हवार नेशाए उठलो मेते दिक बोधुरा धानेर खेते, रोदेर सोना छोड़िए पड़े माटीर आंचोले मोरी हाय हाय हाय, माठेर बाशी शुने शुने आकाश खुशी होलो घरे ते आज के रबे गो, खोलो खोलो दुआर खोलो दुआर खोलो खोलो, आकाश खुशी होलो आलोर हासि उठलो जेगे धानेर शीशे शिशिर लेगे, धरार खुशी धरे नागो ओई जे उथले मोरी हाय हाय हाय। तो इसका हिंदी सुनिए अब आप। पौष तुझे बुला रहा आ चल आ आ चले आ आ, डलिया उसकी भर उठी है पकी फसल से मर जाऊं हाय हाय हाय, पौष तुझे बुला रहा आ चले आ चले आ आ, हवा की नशा में मचल उठी दिक बधुए धान के खेत में, उन्होंने दिशाओं को दिक बधु कहा है यहाँ पर, हवा की नशा में मचल उठी दिग बधुए धान के खेत में, सुनहली धूप बिखर गई माटी के आंचल में मर जाऊं हाय हाय हाय, पौष तुझे बुला रहा आ चले आ चले आए, माठ की बाशी सुन सुन आकाश हुआ प्रफुल्ल। वो कहते हैं खेत खलियान में बंसी बज रही है इस पूस के महीने में, जिसको सुनकर आकाश हुआ प्रफुल्ल। घर पर आज कौन रहे रे, ऐसे मौसम में घर पर कौन रहना चाहेगा, घर पर आज कौन रहे रे, खोलो खोलो द्वार खोलो द्वार खोलो खोलो, आलोक की हंसी जाग उठी धान की बाली में ओस की बूंदे, धरा की खुशी उफन उठी संभल ना पाए रे, धरा की खुशी उफन उठी संभल ना पाए रे, मर जाऊं हाय हाय हाय, पौष तुझे बुला रहा आ चले आए आए आए। तो शीत ऋतु के बाद धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं और वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में शीत का ग्रीष्म का ताप भी नहीं रहता है और शीत की ठिठुरन भी नहीं रहती है। इस वसंत ऋतु को छह ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ये ऋतुराज है।
बसंत में प्रकृति सज उठती है राजसी सज्जा में। इस समय प्रकृति चारों ओर अपनी सुंदर छटा बिखेरती है सुंदर रंगों में। पेड़ पौधों पर नए किसलय देखने को मिलते हैं और हर ओर फूल खिले हुए नजर आते हैं। स्निग्ध शीतल बयार के साथ आती हुई फूलों की सुगंध सब ओर बिखरी हुई होती है। बसंत के स्वागत में कोयल गाता है और भौंरे गुंजन करते हैं। बसंत को लेकर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अनेक कविताएं रची है। कहा जाता है बंगला भाषा में सबसे बड़े बसंत विलासी कवि रविन्द्रनाथ ही है और रविन्द्रनाथ की कविताओं के बिना तो वसंत ऋतु ही अपूर्ण है, ऐसा माना जाता है बंगला भाषा में। तो कवि गुरु सबसे बड़े बसंत प्रेमी और बसंत विलासी के रूप में बसंत का स्वागत करते हैं। और पहला गीत मैं जो प्रस्तुत कर रही हूँ बसंत के बारे में, स्वागत गीत है बसंत का। आजी बसंत जागृत दारी तब अब गुंठित कुंठित जीवो नहीं कोरोना विलंबित तारे आजी बसंत जागृत दारे। आजी खुलियो हृदय दारो खुलियो आजी भूलियो आपनो परो भूलियो এই সঙ্গীত মুখরিত গগনে তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিও এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে দিও ছড়ায় মাধবী ভারে ভারে আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। অতি নিবিড় বেদনা বন মাঝে রে আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে মোর পরাণে দক্ষিণ বায়ু লাগিছে কার দ্বারে দ্বারে কর হানি মাঙিছে ও গো সুন্দর বল্লভ কান্ত তব গম্ভীর আহ্বান কারে আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। ইসকা হিন্দি মানে কি শুনিয়ে। আজ বসন্ত আয়া দ্বার পে তেরে ঋতু বসন্ত আয়া রে तेरे संकुचित कुंठित जीवन में उसे न करना अवमानित रे आज बसंत आया द्वार पे तेरे ऋतु बसंत आया रे। आज खुला रखना अपना हृदय द्वार खुला रखना आज भूल जाना आज अपना पराया भूल जाना इस संगीत मुखरित गगन तले अपनी सुरभि फैला देना आज बाहर भुवन में दिशा खोकर अनंत माधुरी बिखराना रे आज बसंत आया द्वार पे तेरे ऋतु बसंत आया रे। दूसरा पैरा है अरण्य भीतर ये गहन व्याथा आज सभी पल्लवों पर बज रही है पत्तियों में व्याथा बज रही है दूर गगन में किसके राह देख आज व्याकुल वसुंधरा सज रही है। मेरे प्राण में दक्षिण बयार आकर किन द्वारों पर याचना का दस्तक दे रही है ये सौरभ से व्याकुल रजनी किन चरणों पर धरा जाग रही है। हे सुंदर अभिराम प्रियतमे वो तुम्हारा ही आह्वान कर रही है वह तुम्हारा ही आह्वान कर रही है। ये अंतिम लाइन है इस गीत का जिस गीत में उन्होंने कहा है कि बसंत की सारी गतिविधियां ही प्रीतम का आह्वान करती दिखाई पड़ती है। बसंत के साथ फागुन का संबंध निराला है। फागुन का साथ लेकर ही तो बांग्ला भाषा में बसंत ऋतुराज के रूप में आता है। बसंत ऋतु मतलब ही फूली सरसों फागुन की फगुनाहट साथ में उत्सव आनंद गीत संगीत प्रेम मिलन और उसकी मधुर स्मृति। जब वसंत ऋतु में चारों दिशाओं में फूलों की महक हमें पहुंचा देती है एक स्वप्न लोक में और प्रेम मिलन की बातों को लेकर फागुनी सपने रचे जाते हैं फागुनी ख्वाब देखे जाने लगते हैं और बुने जाने लगते हैं। कवि गुरु ने एक ऐसा ही फाल्गुनी गीत लिखा है बहुत सुंदर छोटा सा गीत है ये। एक टुकु छुआ लागे
एक टुकु कथा सुनी। ताई दिए मोने मोने आमी रोची मम फाल्गुनी, एक टुकु छोआ लागे एक टुकु कथा सुनी। किछु पलाशेर नेशा किछु बा चापाय नेशा, ताई दिए सुरे सुरे आमी रंगे रसेर जाल बुनी। रोची मम फाल्गुनी, एक टुकु छोआ लागे एक टुकु कथा सुनी। जेटुकु काछेते आसे क्षणिकेर ফাঁকে ফাঁকে, চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে। যেটুকু যায় রে দূরে ভাবনা কাঁপায় সুরে, তাই নিয়ে যায় বেলা নুপুরের তালগুনি। রচি মম ফালগুনি, একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি। ইসকো আপ সমঝিয়ে আপ হিন্দি মে, ছোটি ছোটি বাতে কোমল উনকি ছুয়ন, উনি কো লেকার মেরা মন रचे फाल्गुनी सपन। छोटी छोटी बातें कोमल उनकी छुअन, कुछ नशा पलाश की कुछ मिलान चंपा की, उन्हीं के सुरों में रंग रसों के जालों में रचू फाल्गुनी सपन। छोटी छोटी बातें कोमल उनकी छुअन, पल पल का अंतराल थोड़ी सी नजदीकी, मन के कोने में बनाए सपनों की छवि। जो दूरी के पल आए कांप उठी भावनाएं, बीत गई बेला लेकर पायल की गुंजन। रचू फाल्गुनी सपन, छोटी छोटी बातें कोमल उनकी छुअन। बसंत को लेकर अब न तो इतने सुंदर गीत लिखे जाते हैं ना गाए जाते हैं। जो बसंत वंदना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की वो अब आज कहाँ। पर हर आने वाले को एक दिन तो जाना ही होता है। हमारा प्रिय ऋतुराज आता है तो विदा भी लेता है। अब ऋतुराज विदा लेने को है। कवि गुरु कहते हैं, हर दिन आकाश बताश में बढ़ रही ताप की मात्रा और बसंत की विदा का सुर हमारे गीतों में मुखर होकर गूंज उठता है। फागुन कभी मन को उदास बना जाता है तो कभी मन को सजा भी जाता है। विरही मन में वसंत और फागुन के आगमन के साथ साथ अकुलाहट बढ़ जाती है। ये ऋतु मन को बसंती रंग से रंगता भी है और कभी किसी पल में मन को अनमना भी बना जाता है। वसंत ऋतु को लेकर संपूर्ण प्रकृति में सारी अनुभूतियां एक अनुपम संगत और हवा के साथ मानव जीवन में बहती रहती है। तो ये अनुभूतियां अद्भुत होती है, अपूर्व होती है, अनुपम होती है। तो रविन्द्रनाथ ने कल्पना की है, बसंत बीता चला जा रहा है पर प्रेमी के आगमन की प्रतीक्षा में मन उदास हो उठता है कि बसंत तो जा रहा है, हमारे प्रेमी तो आए नहीं। चले जाए मोरी हाय बसंतेर दिन, दूर शाखे पीक डाके विरामो विहीन। ओधीर समीर भरे उच्छ्वसी बकुल झरे, गंध शने होलो मन सुदूरे विलीन। चले जाए मोरी हाय बसंतेर दिन, पुलकित आम्र बीथि फाल्गुनेरी तरे, तापे मधुकर गुंजरणे छाया तल कापे। কেন আজি অকারণে সারা বেলা অনমনে, পরাণে বাজায় বিনা কেসে উদাসীন। চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন। হিন্দি মে আপ কুছ কো সমঝিয়ে, বীত যায় আরে হায় বসন্ত কে দিন, দূর শাখে পিক কুকে বিরাম বিহীন, অনন্ত অন্তহীন। অধীর সমীর উচ্ছ্বাস ভরে বকুল ঝরে, गंध संग मन हुआ सुदूर विलीन। बीत जाए हाय बसंत के दिन, फागुन के ताप से आम्र कुंज पुलकित, भ्रमर गुंजन से छाया तल कंपित। न जानू क्यों बिन कारण सारी बेला मन अनमन, प्राण ने बजाए वीणा का सुर कौन तुम उदासीन। बीत जाए हाय बसंत के दिन।
तो बसंत ऋतु भी चला जाता है और बसंत के जाने के बाद जीवन सूना हो जाता है, क्योंकि बसंत का ये उत्सव ही तो हमारे मन का उत्सव है, हमारे प्राण का उत्सव है, हमारे अनुभूतियों का और हमारे आवेगों भावों का उत्सव है। बसंत ऋतु के जाने के साथ ही साथ हमको कठिन ग्रीष्म ऋतु का सामना करना होता है। जब दिन तपने लगते हैं, शामें झुलसती हैं, रात को हम शीतल बयार के लिए भी तरसते रहते हैं। बंगाल में इसी ऋतु में वैशाख के महीने में नया साल भी शुरू होता है। हिंदी में चैत महीने से होता है नया साल, पर बंगाल में वैशाख महीने में ही नया साल शुरू होता है, जब काफी गर्मी होती है। पर समय चाहे जितना कठिन हो, ग्रीष्म ऋतु चाहे जितने कठोर हो, नया साल तो आएगा ही, नई फसल के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने तो आता भी है। कोरोना के कठोर समय में उत्सव का माहौल पीछे बिल्कुल छूट गया था, नूतन वर्ष का आनंद भी फीका पड़ गया था, परंतु अब हम नए सिरे से नव वर्ष का उत्सव बेखौफ मना रहे हैं। तो कवि गुरु के जन्मतिथि के पहले ही ठीक नया साल पड़ता है। पहला वैशाख के आह्वान के साथ एक गीत रविंद्रनाथ ने प्रस्तुत किया है। इस गीत में कवि गुरु ने कठोरता के समस्त अंधकार को दूर करके एक पवित्र और निर्मल संसार की कामना की है। कितनी अच्छी बात, समझ लीजिए, ग्रीष्म जैसे कठोर ऋतु के कठिनाइयों को नजरअंदाज करती है उन्होंने पवित्र और निर्मल संसार की कल्पना की, कामना की। कवि गुरु ने इस गीत में हताशा, कटु स्मृति और हर ग्लानि और आवेग को दूर करने के लिए भी आह्वान किया है। इसलिए ये गीत आज बहुत प्रासंगिक है, जब हम कठोर समय से धीरे धीरे सामान्य समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये वैशाख ऋतु के स्वागत में कविता है, वैशाख मास के स्वागत स्वागत में। एशो एशो हे वैशाख, एशो एशो तापोशो निशाशो बाए, मुर्मुशुरे दाव उड़ाए, बत्सरे आवर्जना दूर हुए जाक। एशो एशो हे वैशाख, जाक पुरातन स्मृति, जाक भूले जावा गीति, ओशु बाष्प सुदूरे मिलाक। एशो हे वैशाख, मुछे जाक ग्लानि, घुचे जाक जौरा, अग्नि स्नानी शुचि ओक धारा, रसेर आवेश राशि शुष्क করি দাওয়াশি, আনো 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 তব প্রলয়ের শাঁখ, মায়ার কুঞ্জটিকা যাক দূরে চলে যাক। এসো 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 হে বৈশাখ। হিন্দি মে ইস গীত কা অনুবাদ শুনিয়ে। আও হে বৈশাখ আও আও, তপ্তি শ্বাসো কি হওয়া সে হতাশায় উড় যায়, वर्ष भर की आवर्जनाएं दूर हो जाएं। आओ आओ हे वैशाख आओ आओ, पुरातन स्मृति मिट जाए, जो कटु स्मृतियां हैं पुरातन स्मृति मिट जाए, भूले हुए गीत चले जाएं, अश्रु अश्रु बाष्प सुदूर में मिल जाए, माया की कुहेलिका दूर हो जाए, माया का अंधकार दूर हो जाए। आओ आओ हे वैशाख आओ आओ, मिट जाए ग्लानि दूर हो जरा, अग्नि स्नान से शुचि हो धरा, रस की आवेश राशि शुष्क बना दो आकर, ले आओ अपना प्रलय का शंख, आओ आओ हे वैशाख आओ आओ। तो ये मैंने सभी ऋतुओं के बारे में उनके कुछ कुछ कविताओं की जानकारी आपको दे दी और उन पर चर्चा भी बराबर करती चली हूँ। हर ऋतु हर गीत में लगभग रविंद्रनाथ अंत में एक, ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में, अंत में एक सकारात्मक संदेश जरूर छोड़ के जाते हैं, जैसा कि इस गीत में है, जैसा कि जाड़े की ऋतु की गीत में भी उन्होंने पौष पार्वण के उत्सव को साथ मिला दिया है। ये तभी रविंद्रनाथ
अपने अधिकांश संगीत रचनाओं में प्रेम, प्रकृति, उपासना आदि को ही केंद्र में बराबर रखते रहे हैं। फिर भी लगातार सभी गीतों को आत्मनिवेदन का गीत कहना ही ज्यादा सही होगा। गीतांजलि की भांति उनके अधिकांश गीत आत्मनिवेदन के गीत है। मानव जीवन के जितने पहलू हैं, पड़ाव हैं, इन गीतों और कविताओं में उतने ही अनुभव है, उतनी ही भावनाएं हैं और उतनी ही अनुभूतियां भी है। तो सकारात्मक संदेश देते हुए रविन्द्रनाथ हमारे मन को आकर्षित करते हैं और हमारा मन सभी परिस्थितियों में अंततः उनके गीतों का शरण लेता है। जब हम दुख में हैं, कष्ट में हैं, हर मौसम में, हर स्थिति में, हर परिस्थितियों में उनके गीतों के शरणागत होकर मन को परम शांति मिलती है। उनकी प्रकृति संबंधी कविताओं में भाव और संगीत के माध्यम से जीवन को समझने का जो अनुभव है, वो शायद किसी और कवि के गीत में हमको नहीं मिलेगा। वो सच्चे अर्थ में विश्व कवि हैं और हर युग और हर काल में उनकी कविताएं प्रासंगिक रहेंगी। मैंने तो सिर्फ रविन्द्रनाथ जैसे महासागर की कुछ बूंदे मात्र आपके सामने रखी है। रविन्द्रनाथ के प्रति बंग भाषा भाषियों में और बंगालियों में इतनी ज्यादा भक्ति, समर्पण और श्रद्धा की भावना है कि रविन्द्रनाथ को वे देवता तुल्य मानते हैं। आमार प्राणे ठाकुर कहते हैं रविन्द्रनाथ को। उसके अलावा कहते हैं, तुमी रोबे निरोबे हृदय ममो, तुम मौन रूप से मेरे दिल में हमेशा बने रहोगे। और उसके अलावा वो भी कहते हैं, हिमार माझे असीम तुमी बाजाओ अपन सुर, सीमाओं के बीच में हे असीम तुम अपना सुर हमेशा बजाते रहना। तो इस तरह से हम इन सुंदर सकारात्मक संदेशों के साथ रविन्द्रनाथ के गीतों की अनुभूतियों को ग्रहण करते हैं तो हमारा मन आनंद से प्लावित होता है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी और आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया जयश्री जी, बेहद ही महत्वपूर्ण यह कड़ी रही जिसमें आपकी ओर से रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कविताओं का पाठ हुआ बांग्ला और हिंदी में, और किस तरह से आपने उन पर क्रमशः क्रमवार चर्चा की। बड़ी ही एक व्यवस्थित यह बातचीत रही, बातचीत क्या कहूँगा, यह जिस तरह से आपका वक्तव्य रहा और कविता पाठ हुआ वह बहुत ही सुखद रहा। और सभी लोग, कवि गुरु को चाहने वाले तमाम लोग इस पाठ को पसंद करेंगे ऐसा विश्वास है। हमारे साथ अशोक चौधरी जी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, फीलिंग प्राउड टू ज्वाइन, आई एम द ग्रैंड नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स नीस सरला देवी चौधरानी। तो सरला देवी चौधरानी के वे ग्रैंड नेफ्यू हैं अशोक चौधरी जी। तो जब हम लोग इस किताब पर चर्चा कर रहे थे, अलका सराबगी जी के उस उपन्यास पर, तब भी मुझे ध्यान है कि अशोक चौधरी जी आए थे, अच्छा लगता है। और मित्रों हमारे साथ ज्ञानेंद्र चौहान जी, संतोष सिंह जी, अनुभवी सिन्हा जी, रजनी रानी, उमा शर्मा, अथर्व, अशोक भौमिक जी, के कुमार प्रसन्न जी और त्रिलोक महावर जी और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े रहे। और देखिए किस तरह से अलग अलग ऋतुओं पर ये कविताएं हम लोगों ने सुनी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, जयश्री जी आपको इसमें कोई बात जोड़नी होगी तो जोड़िएगा, कि बतौर अनुवादक आप जिस तरह से जी। अनुपस्थित होकर, आप मेरी बात सुनिएगा, बतौर अनुवादक जिस तरह से आप अनुपस्थित रहती हैं वह बहुत खास है। मैं जब बांग्ला में और हिंदी में उन कविताओं को सुन रहा था, दोनों ही भाषाओं में, तब वे कई ऐसी पदावलियां,
वे वाक्य संयोजन आपने कम से कम छेड़ने की कोशिश की है, आपने जी, कोशिश जी, की है कि कभी गुरु की ही मौलिकता को, हाँ, उनकी ही वाक्य रचना को हिंदी में रखें, और उसमें आप सफल हुई हैं। उन शब्दों को भी आपने बदला नहीं है जिन शब्दों को हिंदी के पाठक आसानी से समझ सकते जी जी, ये मैंने किया है, जो शब्द हिंदी में प्रचलन में है उन शब्दों को बदलने की कोशिश कम किया है। बिल्कुल, तो इससे जो अपना सौंदर्य है इन कविताओं का, इन गीतों का, वह जो इनकी कोमलता है, जिस आत्मनिवेदन की बात कर रही हैं, वे सभी तत्व, वे सभी गुण इन अनुदित कविताओं में भी आ सके हैं। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं इस बेहतरीन और मूल के करीब के अनुवाद के लिए। और अभी हम लोग परसों ही रविंद्र जयंती मनाए हैं, और आपने ठीक ही कहा कि महीने भर तक बांग्ला के बीच और हम लोग मनाते हैं, हाँ, बांग्ला भाषियों और टैगोर प्रेमियों के बीच यह उत्सव मनाया जाता है। और वह कविता जो बैशाख पर थी, तो हम इस बैशाख महीने में बैठे हुए हैं और यह कविता सुन रहे हैं। मिट जाए ग्लानी, दूर हो जरा अग्नि स्नान से शुचि हो जरा, रस की आवेश राशि शुष्क बना दो आकर, ले आओ अपना प्रलय का शंख, माया की कुहेलिका दूर हो जाए, आओ हे वैशाख आओ आओ। तो यह जो दूसरी बात हमने यह भी देखी, जो वाक्य संरचना में भी आपने कम से कम बदलाव किए हैं, इससे जो मूल बांग्ला में जो गेयता है, गीतात्मकता है जी, छंदबद्धता है, हाँ, छंदबद्धता जो है वह हिंदी में भी सुरक्षित रह सकी है, जी, वो रहना चाहिए। तो यह एक बड़ी बात है। मुझे याद है, और आप में से कई लोग जानते ही होंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर स्वयं इस बात को कहते थे, उन्हीं का यह भाव बोध है। वे कहा करते थे कि जिस तरह चलने की कला नृत्य में बदल जाए, जिस तरह हमारे चलने की कला नृत्य में बदल जाए, उसी प्रकार वाक्य जो है गीत में बदलकर कला रूप धारण कर लेते हैं। तो यह उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा थी। उनको लगता था कि आदमी चले उसमें भी एक नृत्य महसूस हो, और कोई वाक्य जब गीत में बन जाए तो उसमें अपने आप किस तरह कला रूप आ जाता है। तो यह भी, यह छटा भी हमने आज की इन कविताओं में देखी। और मित्रों, हम सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर बचपन से लेकर अपने जीवन की अंतिम अवस्था तक लगातार कार्यरत रहे, कविताएं लिखते रहे, गद्य में कितने काम किए, कहानियां, उपन्यास, तमाम चीजें हम सभी परिचित हैं। और जब शांति निकेतन में उन्होंने ऋतुओं पर कई उत्सवों का आयोजन किया, इससे भी हम सभी अवगत हैं। तो आज की इन कविताओं अभी भी आयोजन होता है जी, हम रविंद्रनाथ ठाकुर जी के उन उपक्रमों से जोड़कर देखते हैं, तब जो एक लेखक, एक विचारक, एक शिक्षाविद का जो समर्पण है, उसका पूरा पूरा भान हो पाता है। तो आज की कड़ी इतनी ही। मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का और जयश्री पुरवार जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि यह एक बेहतरीन कार्यक्रम संभव हो सका। तकनीकी बाधाएं आई, मगर कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद, हम लोग उन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सके। बहुत देर से शुक्रिया जी, नमस्कार सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ओर से कोशिश होगी कि कल किसी और पक्ष पर हम लोग कार्यक्रम रख सकें, आप लोग जुड़े, अच्छा लगता है। जनसुलभ पुस्तकालय फेसबुक पर और यूट्यूब पर, दोनों ही जगहों पर उपलब्ध है। शुक्रिया, कल मिलते हैं, नमस्कार।